कोई भी एक एटम है जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहलाते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। ऑर्बिट को, एक ऑर्बिट मतलब एक फिक्स पार्ट है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते रहेंगे। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स के पास एक स्पेशल कुछ प्रॉपर्टी देखने को मिली। ओके, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैज सम स्पेशल प्रॉपर्टी। इस स्पेशल प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया लोगों ने? चार्ज। चार्ज समझ में आ गया? ओके, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी देखने को मिली, उसको सब लोगों ने नाम दे दिया चार्ज। तो जैसे बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है या फिर उसका कलर है, ओके, तो ये सारे कलर है, मास है, इन सबको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? फंडामेंटल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फंडामेंटल मतलब उसको हम और ज्यादा डिफाइन नहीं कर प्रॉपर्टी। सकते। ओके, उसको हम ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकते, जस्ट हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सबके पास होती है। सो सिमिलरली चार्ज भी क्या है? चार्ज फंडामेंटल इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में? जैसे मास एक प्रॉपर्टी होती है, वैसे चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। ओके, और उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आ गया समझ में? ओके यस ओके, चलो अब देखते हैं। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब बताओ जल्दी से। इसका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन हम उसका डायरेक्शन नहीं होता। ओके, कोई डायरेक्शन नहीं होता। ओके, स्केलर मतलब नो डायरेक्शन। क्वांटिटी का मतलब, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्वांटिटी? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? ये हमने पहले भी पढ़ा था। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी चीज जिसको मेजर कर सके। ओके, द थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो चार्ज भी एक क्वांटिटी है, विच प्रॉपर्टी मीन्स उसको हम मेजर कर सकते हैं, और मेजर वी करने कैन के लिए हमारे पास मेजर क्या होता है? यूनिट होता है। सो ऐसा यूनिट ऑफ इट चार्ज क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज वोल्ट मिलीमीटर। वोल्ट नहीं, वोल्ट ऐसा यूनिट नहीं, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? एम्पियर नहीं, हेलो आ रही है मेरी? सर। यस सर, आवाज ओके, सो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज ये आ है। रही क्या है। लिखा है सर, कैन मैंने? हाँ बोलो। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉलम। कूलम्ब। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कूलम्ब। आ गया समझ में? कोई डाउट इसमें? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कूलम्ब, CULOMB। कूलम्ब कुलम का मतलब होता है, कूलम्ब का मतलब ऐसा यूनिट है। एक एक साइंटिस्ट के नाम से ये हम लोगों ने डिराइव किया है। ओके, एक साइंटिस्ट था कूलम्ब करके, साइंटिस्ट का उसके नाम नाम से इसका कोलंबस है। था नहीं बेटा, कोलंबस नहीं था साइंटिस्ट का नाम, कोलंबस नहीं था। ओके, कुलम्ब नाम था, CULOMB। ओके, पूरा नाम था चार्ल्स, पूरा जो नाम था उसका वो था चार्ल्स अगस्टिन कुलम्ब। आ गया समझ में? पूरा नाम क्या था? चार्ल्स अगस्टन कुलम। कोई डाउट? नो ओके, तो साइंटिस्ट के नाम से हम लोगों ने चार्ल्स इसका, अगस्टिन डे कुलम्ब। हाँ, चार्ल्स अगस्टन डे कुलम्ब। ओके चलो, सो उसके नाम से हमने ऐसा यूनिट रखा कुलम्ब। कुलम्ब को नॉर्मली क्या लिखा जाता है? सिर्फ और सिर्फ सी लिखा जाता है। ओके, एंड चार्ज जो है, चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल क्यू से। कूलम्ब को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल सी से। आ गया समझ में ठीक इतना? है। यस सर। ये समझ में आ गया?
अगर वो अभी हाँ स्मॉल से लिखेंगे तो रॉन्ग होगा। क्या बोल रहे हो बेटा? अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंबल ऑफ कॉलम, तो हम अगर स्मॉल से लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ बेटा, स्मॉल सी नहीं लिखना है, कैपिटल सी लिखना है। ओके, सिंबल ऑफ कोलंब इज कैपिटल सी, सिंबल ऑफ चार्ज इज कैपिटल क्यू। चलो आगे बढ़े आगे बढ़े। ओके सो बेटा, ये यस चार्ज जो है, ओके चार्ज जो है वो दो टाइप के होंगे, चार्जेस पॉजिटिव आर ऑफ नेगेटिव, टू टाइप। ओके, क्या टाइप है उसके? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो कि किसके पास पॉजिटिव होता है? नेगेटिव, प्रोटॉन के पास होता है। पॉजिटिव दूसरा होता प्रोटॉन, है नेगेटिव नेगेटिव न्यूट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ओके, नॉट न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स, ओके, न्यूट्रॉन के पास क्या होता है? नो चार्ज, न्यूट्रॉन है न्यूट्रल न्यूट्रॉन, चार्ज, न्यूट्रल न्यूट्रॉन उसके चार्ज, पास कोई चार्ज नहीं है, कोई डाउट उसमें? न्यूट्रल चार्ज। ओके, तो उसके पास कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? तो पहले लिखेंगे नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए मैंने माइनस लिखा। कितना चार्ज होता है? तो चार्ज, चार्ज की कुछ वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है 1.6 वन 10^-19 कूलम। ओके, ओके, और चार्ज प्रेजेंट ऑन वन वन प्रोटॉन, प्रोटोन, 1.6 प्रोटॉन के पास सब उतना ही चार्ज होता है बट पॉजिटिव का होता है, लेस में 1.6 वन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय सिक्स इंटू टेन टेन रेस टू टू 19 पावर माइनस नहीं नाइन बेटा, अभी भी -19 लिखेंगे। ओके ओके, सिर्फ आगे पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करना है। ओके आ गया सर, समझ में? तो चार्ज प्रेजेंट यस ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज दिस, चार्ज प्रेजेंट सर, ऑन वन प्रोटॉन इज दिस, कोई डाउट? नो ओके, सर, चलो नो इसमें का सर, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो तुम लोग, स्क्रीनशॉट ये लेना है सर तो ले टू लो जल्दी मैंने, से। ये सर। और सर मेरे पास एक डाउट था, हाँ बोलो। अभी अगर हम लोग एक बैटरी को देखेंगे, बैटरी है तो कोई भी सेल, उसके हाँ अंदर से हाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड तक तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो सर वो सारे इलेक्ट्रॉन्स यस, में से उसका चार्ज पूरा निकल ही जाता है। नहीं बेटा वो मैं बताता हूँ, आगे बताऊंगा। ओके ओके, ये डिस्कस करेंगे हम आगे कि एग्जैक्टली बैटरी में क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। चलो ये समझ में आ गया। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नेक्स्ट मैं न्यू चालू कर रहा हूँ। ओके सर, चलो, ले लेट्स से लिया। मैं तुमसे पूछ ले लिया ना। ओके चलो, मैं तुमसे पूछू, व्हाट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन 200 इलेक्ट्रॉन्स? अगर मैं एक जगह पे 200 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा कर लू, मेरे पास एक साथ कितने इलेक्ट्रॉन है? 200 200 इलेक्ट्रॉन्स है, और मैं पूछू व्हाट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन 200 इलेक्ट्रॉन, बताओ कितना चार्ज होगा? 200 इलेक्ट्रॉन के पास कितना हंड्रेड चार्ज होगा? इंटू वन बताओ, माइनस वन पॉइंट हंड्रेड सिक्स 200 200 इंटू माइनस इंटू वन वन पॉइंट पॉइंट सिक्स इंटू 10 रेश, इंटू 10^-19 कूलम। 10^-19 कूलम, ओके, मतलब क्या करेंगे मैं 200 को क्या करूंगा? एक एक के पास उसका जितना है उससे मल्टीप्लाई कर एक लूंगा, एक ही फॉर्मूला एक के से इंटू पास टू जितना हंड्रेड चार्ज है, यस, एक के पास जितना चार्ज है उसको मैं 200 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -320। ओके, माइनस क्यू, बिकॉज चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, सो -320 इंटू 10^-19। 320 इसको मैं लिख सकता माइनस हूँ थ्री नाइनटीन पॉइंट टू इंटू टेन थ्री रेस पॉइंट टू टू माइनस सेवनटीन ये समझ में आया? यस ओके, दिस सेवनटीन मच कूलम चार्ज। यस 17 क्यों आया? दो देखो जीरो थ्री गए ना, ट्वेंटी तो है फिर ना, उसका वो दो नाइनटीन जीरो यहाँ माइनस पे आ टू गए, दो जीरो अच्छा इधर आ हाँ गए, तो दो इधर बराबर यहाँ पे कर लिया। आ गया समझ में? हम्म, हाँ सर, कोई डाउट? नो चलो नेक्स्ट नो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। व्हाट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस मच ऑफ प्रोटॉन? दे 10,000 इंटू वन टेन पॉइंट सिक्स थाउजेंड इंटू इंटू वन टेन पॉइंट सिक्स पावर इंटू टेन माइनस रेस नाइनटीन टू कोलम्ब, 1.6 इंटू 10^ माइनस नाइनटीन माइनस कॉलम नाइनटीन विच विल बी इक्वल नाइन टू वॉट? माइनस नाइनटीन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अगर सिंप्लीफाई करोगे तो? -19, और वहां पे चार जीरोज है, चार जीरोज को -19 माइनस से ट्वेंटी मल्टीप्लाई थ्री करूंगा माइनस तो माइनस माइनस फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस कूलम। फिफ्टीन
आ गया समझ में? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं एक इलेक्ट्रॉन को, अच्छा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, व्हाट चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 2.5 इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, नो, क्या ये क्वेश्चन पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन को क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन को आज तक डिवाइड नहीं किया है, डिवाइड नहीं किया जा सकता, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इतने छोटे हैं कि उसका और मैं छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता, विच मीन्स एनी चार्ज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, कोई भी चार्ज जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है, होल नंबर, दिस विल बी इक्वल्स टू एनी होल नंबर मल्टीप्लाई बाय 1.6 इनटू 10^-19। तो लेकिन ये 1.6 हम लोग हमेशा क्यों यूज़ करते हैं? जैसे हम लोग सर, जैसे शेप्स के एरियाज ढूंढने के लिए हम लोग हमेशा हाई यूज़ करते हैं, वैसे ये 1.6 क्या होता है? देखो ऋषि, 1.6 इनटू 10^-19 जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो है, राइट? अब हम लोगों को और कहीं पे तो चार्ज मिला नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास ही चार्ज मिला है, तो दुनिया में जो भी चार्ज होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, सही बात है, बट वो हमेशा 1.6 इंटू 10^-19 का मल्टीपल ही होगा। हाँ समझ में आया? हाँ सर आया। देवयानी समझ में आ रहा है? नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा, ये 19। हाँ, ओके, मैं बता रहा हूँ। देखो मान लो ऋषि जो है वो, ऋषि तुम्हें कौन से बिस्किट बहुत पसंद है? क्या सर? कौन से बिस्किट तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं? सर ओरियोस। चलो तो मान लो ऋषि को ओरियो बहुत पसंद है, ओके? ओरियो का सबसे छोटा पैकेट आता है, स्मॉल पैकेट, सबसे छोटे पैकेट में कितना बिस्किट आता है पता है तुम्हें? यस सर। सर मैक्सिमम 5 होते हैं। 5 होते हैं। 5 बिस्किट्स। ओके। 5 बिस्किट्स इन 1 ओरियो पैकेट। कोई डाउट? नो सर। नो। ओके? अच्छा ऋषि मैं तुमको बोलूं कि तुम्हें कहीं से भी जाना है, ओके? और मैं ऐसा बोलता हूं कि तुम्हें 3 बिस्किट लेके आने हैं। दुकान में कहीं पे भी जाना है और 3 बिस्किट लेके आने हैं। ओरियो के 3 बिस्किट लेके आने। क्या पॉसिबल है क्या? नो नहीं सर, क्योंकि हर जगह पे एक पैकेट ही मिलेगा, जिसमें 5 सर, एक ही पैकेट होगा या फिर 5 का मल्टीपल पड़ेगा और 3 बिस्किट आपको। और द ओरियो बिस्किट, ओके, ऑल द ओरियो बिस्किट, या तो 5 आएगी या फिर 5 के मल्टीपल्स आएंगे, यस, इन द मार्केट विल बी इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स नंबर ऑफ ओरियो पैकेट्स। समझ में आ रहा है ये? ओके, ऑल द ओरियो बिस्किट अवेलेबल इन द मार्केट। मैं कोई भी मार्केट में चला जाऊं ओरियो बिस्किट लूं तो हमेशा मुझे 5 के मल्टीपल ही मिलेगा, मतलब कि या तो 5 मिलेगा या फिर 10 मिलेगा या फिर 15 20 या फिर 20 मिलेगा, इसी तरह से मिलता रहेगा, राइट? सिमिलरली अगर हमको चार्ज लेने जाना है तो चार्ज किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास है। So all the charge which is available in the universe में कोई भी चार्ज लेने जाओगे तो हमेशा वो क्या मिलेगा, 1.6 इनटू 10^-19 मिलेगा। सर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए 1/10^19। हाँ ऐसा लिख सकते हैं, यस, 1.6 इनटू 10^-19 अपॉन 10^-19 ऐसा लिख सकते हैं, ओके? चलो सो बेटा कोई भी चार्ज यूनिवर्स में मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1.6 इनटू 10^-19 मल्टीप्लाई बाय होल नंबर, ये होल नंबर ही हो सकता है, कभी ये 1.5 2.5 ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो इनकी वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा हमेशा, यस, प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। समझ में आ गया? So, ये समझ में आ गया, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं इसको? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है, ऑल द चार्ज
प्रेजेंट इन द यूनिवर्स यूनिवर्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन वन इलेक्ट्रॉन. समझ में आ गया? All the charge present in the universe will be the integral multiple. Integral multiple मतलब integer के साथ ही multiply होना. हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही. के साथ नहीं चल. हेलो, आ रही है बेटा अब? हेलो सर, your voice is not coming. हेलो, अब आ रही है बेटा आवाज? सर, your voice is clear. अब clear है? Voice is coming. ओके, सो बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब ऑल द चार्ज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन वन इलेक्ट्रॉन. आ गया समझ में ये? सो इससे बेटा एक फॉर्मूला डिराइव होता है, वो फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, वेयर ई इज इक्वल्स टू व्हाट? ई इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻¹⁹. ओके, E का मतलब होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब. आ गया समझ में ये? ओके, सो ये बिस्किट वाला एग्जांपल मैं हटा दूं, समझ में आ गया ना बिस्किट वाला एग्जांपल भी? ओके, चलो, सो एक काम करते हैं, इतना तुम लोग ऐसा है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका. ओके, ये सारे बेटा 10th के अंदर तुम वापस पढ़ोगे, तो हम जो पढ़ रहे हैं एक्चुअल में 10th में पढ़ाया जाता है. आया समझ में? टेंथ में भी इसी तरह से मैं पढ़ाता हूँ, डोंट वरी. ओके, टेंथ में भी इसी तरह से तुम्हें पढ़ाया जाएगा बिस्किट का एग्जांपल लेके. चलो आगे बढ़े. ओके, सो हमें ये पता चल गया कि जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁹ होगा. उससे मेरे एक फॉर्मूला मैंने बनाया, फॉर्मूला क्या बना? Q इज इक्वल्स टू एनी. क्यू क्या है बेटा? क्यू क्या है? चार्ज. चार्ज. एन क्या है? एन क्या है? कोई भी व्होल नंबर है. एन क्या है? कोई भी इंटीजर नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ भी. ओके, क्या मैं एन की जगह पे 2.5 लिख सकता हूँ? नो नो नो, नहीं लिख सकते. ओके, एन हमेशा माइनस में कोई नंबर हो सकता है? माइनस लिख सकते हैं, यस माइनस लिख सकते हैं, बिकॉज क्यू माइनस में, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी पॉसिबल है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है. ओके, बट जनरली इसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, यस सर, या चलो आगे बढ़े. तो ले लिया स्क्रीनशॉट. ले लिया स्क्रीनशॉट. Yes. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. चलो एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ. ओके, एक सिंपल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ओके, लिखो, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू मेक वन कूलम्ब चार्ज? कितने इलेक्ट्रॉन मिलके वन कूलम्ब चार्ज बनाएंगे? ओके, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके वन कूलम चार्ज बनाएंगे? यस सर, ट्राई करो, दिमाग लगा के ट्राई करो, कैलकुलेशन भले ही ना हो, जितना हो सकते उतना ट्राई करो. सर, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है, तो सर वो तो बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा. बहुत बड़ा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, सोच के बताओ. बहुत छोटा नंबर. अच्छा सर, बहुत छोटा नंबर है क्योंकि उसका पावर ही माइनस में है. यस, तो सर कितने इलेक्ट्रॉन मिलके
सर नहीं पता चल रहा कैसे करना है. नहीं पता चल रहा है. नो ओके कोई बात नहीं बेटा, टफ क्वेश्चन है वैसे भी ये. चलो करवा दूं मैं. यस सर. चलो तो देखो बहुत ही सिंपल है. कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम्ब चार्ज बनाएंगे? एक बताओ एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻¹⁹ ओके सो लेट्स अज्यूम वी हैव n इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 10. n इलेक्ट्रॉन्स है. अगर n इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन ने कितना चार्ज होगा? n मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 1.6 × 10⁻¹⁹ कितना चार्ज होगा n इलेक्ट्रॉन के पास? एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 × 10⁻¹⁹ है तो n के पास n से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके okay? और ये सब मिला के कितना होना चाहिए? ये सब मिला के कितना चार्ज होना चाहिए? 1 कूलम्ब. 1 कूलम्ब हाँ या. ये सारा मिला के कितना होना चाहिए? 1 कूलम्ब होना चाहिए. आ रहा है. ओके सो अगर मैं अब n की वैल्यू लिखूं, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी n विल बी इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻¹⁹. ये जो है उसको तुम इक्वल टू के उस तरफ ले जाओ तो डिवीजन में चला जाएगा. अच्छा 1 upon 1.6 × 10 सो ये हो जाएगा 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय क्या? 1.6. 1.6 को मैं लिख सकता हूँ 16 डिवाइडेड बाय 10. आप लिख सकते हैं 10 वापस चला जाएगा ऊपर. ऊपर तो इनटू 10 तो इनटू 10 हो जाएगा. अब बेटा 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 5 और 8 बचेगा. 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 10 और 16 है तो 5 2 जा 10 5 8 जा 16 नहीं बेटा 5 2 जा 10 सॉरी सर 2 8 जा 16 हां सर ये आएगा 5 बचेगा 8 10⁻¹⁹ अच्छा अब बेटा कोई बता सकता है कि 10⁵/8 कितना होता है? क्या किसी को करना आता है 5/8? हाँ सर 5 पॉइंट में आएगा सर यहाँ पे 5 उसके बाद 1.6 आ गया. 1.6 नहीं आएगा. यस सर 1.6 आया यही सर. नहीं बेटा 1.6 नहीं आएगा सर. 1 upon 1.6 बेटा 5/8 का नॉर्मल हम लोग ये करेंगे डिवीजन करेंगे. हाँ सर मुझे उल्टा करना होगा. क्या 8 को मैं 5 से नहीं कर सकता तो मुझे पॉइंट लेना पड़ेगा. कैसे तुम? हाँ सर आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो और 50 लगा सकते हो. और ये 50 और सर आप 0.625 तो यहाँ पे मैं 6 लिखूंगा. 6 लिखूंगा तो ये आ जाएगा 8 6 48 4 और फिर एक 0 ऊपर चले आएंगे 8 × 5 = 40 तो 0.625 आया. अब बेटा ये 0.625 × 10⁻¹⁹ को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6.25 10⁻¹⁹ कितना हो जाएगा? 19 था उसकी जगह 1 10 मैंने पहले यूज कर लिया 18 हो जाएगा. 6.25 हाँ सर, उसके अंदर से हम लोग 1 निकाल सकते हैं. ओके सो क्या अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाए
6.25 × 10⁻¹⁸, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ये, सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे कितना बनेगा, हम लोग इसे डायरेक्टली 625 × 10⁻¹⁶ हाँ लिख सकते, 625 × 10⁻¹⁶ लिख सकते ताकि होल नंबर जैसे एक्सप्रेस कर सके। हाँ कोई बात नहीं, बट टोटल मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ये जितने भी नंबर्स को मैं मल्टी, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके कितना ये चार्ज बनेगा सर, इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके सिर्फ 1 कूलम चार्ज बनता है, समझ में आ गया? तो सर 1 कूलम चार्ज बहुत ही ज्यादा है कि बहुत ही कम है बेटा? नहीं नहीं बहुत कम है, बट इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज बहुत कम है ना, इसलिए 1 कूलम भी ज्यादा लगता है। तो सर एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज बहुत कम है, एक इलेक्ट्रॉन अकेला कुछ नहीं कर सकता, ओके? और इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो भी सिर्फ 1 कूलम चार्ज ही बनेगा। हाँ आ गया समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। कोई डाउट? नो सर नो। चलो आगे बढ़े, 8 मिनट्स बाकी है सर क्लास, 8 ही मिनट बाकी है, 8 ओके 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 8 मिनट बाकी है, चलो ये लिख लिया। बट क्लास अपने आप एंड नहीं होगा। हाँ आज कुछ पता नहीं फ्री दे रहे हैं। चलो आगे बढ़े। हाँ सर, सर एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। एंड व्हाट्सएप पर पोस्ट कर दूंगा तो चलेगा? कहाँ पे बेटा? व्हाट्सएप पर, ताकि जिन लोग ने मिस किया तो उनको पता चल जाए कि क्या। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। जिन लोगों ने मिस किया तो फिर मिस क्यों करते हैं, मिस नहीं करना चाहिए, राइट? चलो हो गया ये। लिख लिया सबने? यस सर डन। नहीं सर नहीं लिखा है, एक मिनट। ओके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो जल्दी जल्दी। चलो हो गया, आगे बढ़े। एक ही मिनट। यस सर। बढ़े आगे। ओके सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी चार्ज की, दिस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इज इक्वल्स टू एनी। ओके हेलो। यस सर। यस सर। ओके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया ना, क्वांटाइजेशन? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो ओके अब नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक प्रॉपर्टी है बेसिकली, ओके ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी सबने सुनी होगी, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट। मैग्नेट्स में भी चार्जेस होते क्या? नहीं बेटा मैग्नेट अलग होता है, मैग्नेट में पोल्स होता है, पोल्स होते हैं उसमें। लेकिन सर पोल्स को इतना पावर कैसे मिलता है? वो पावर उसको मिलता ही कैसे कि वो अट्रैक्ट रिपेल कर सके? मैंने एक बायजूस क्लास अटेंड किया था, मैंने उसी में पूछा, लेकिन मेरा किसी ने आंसर नहीं किया। अच्छा ओके चलो आंसर जानना है फिर। हां सर आंसर जानना है। Okay. उसमें उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसी की वजह से। हाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया? हाँ वही, वो कहाँ से आया फील्ड? तो एलॉय बनाते हैं ना, उससे आया। अच्छा देखो लेकिन कोई बात नहीं, उसके अंदर क्या है कि वो ऐसे काम करता है? सर इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्रॉ कर लो।
हाँ मैं फाइनल आंसर तो नहीं दूंगा बट थोड़ा बहुत तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने क्या ड्रॉ किया? सर आपने कॉइल एक मेटल रॉड के ऊपर लगाया। कॉइल एक मेटल रॉड के ऊपर लगाया। ओके बढ़िया। हाँ सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैंने ड्रॉ किया वो क्या ड्रॉ किया? सर वो एक बैटरी है। बैजू में तुमने आंसर कुछ दिया ही नहीं फिर किसी ने आंसर? हाँ ऋषि। हाँ सर। कोई भी आंसर नहीं दिया फिर उन लोगों ने? नहीं वो लाइव चैट था उसके अंदर आपके पास कोई भी डाउट होंगे तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो तो लेकिन लाइव चैट लाइव वाले में सब लोग पूछ रहे थे उनका आंसर हो रहा था मैं करने का ट्राई कर रहा था कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा कोई बात नहीं चलो मैं छोटा सा एक आंसर देने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके चलो एक छोटा सा आंसर देने का ट्राई करते हैं कि भाई एक्चुअली हम लोग टेंथ में ये सब पढ़ते हैं। ओके जो मैं अभी करवा रहा हूँ वो टेंथ का थोड़ा सा टॉपिक है। ओके चलो अब बैटरी है उसमें करंट फ्लो होता है। ओके कोई बात नहीं करंट फ्लो होता है क्या तुम बता सकते हो करंट क्या होता है? व्हाट इज करंट? अभी हम लोग पढ़ने वाले थे बट थोड़ा ये ऑफ टॉपिक जा रहा है तो करंट की डेफिनेशन बोल दो या करंट क्या होता है वो बोल दो। मैं बताऊं क्या है? हाँ बोलो। सर जो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो डायरेक्ट डायरेक्शन उसे करंट कहते हैं। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेसिकली कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स नहीं बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस चार्जेस के फ्लो को हम करंट कहते हैं। आ गया समझ में इतना? यस सर। चलो तो एक बात बताओ ये जो एक आयरन का रॉड है उसके ऊपर अगर मैंने करंट फ्लो करवाया मतलब कि चार्जेस को फ्लो करवाया तो ये अपने अराउंड क्या क्रिएट करता है? ये अपने अराउंड क्या क्रिएट करता है? सर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। आया समझ में? हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ? तो सर चार्जेस मतलब बोलो ऋषि बोलो। हाँ सर जो चार्जेस है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते मतलब उनके पास एक स्पेशल फोर्स होता है। यस परफेक्ट। ओके जो चार्जेस है उसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है दूसरी भी एक चीज है और वो अच्छा। क्या है सर? जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। यस ओके देखो बेटा सो यहाँ से मैं ये देख सकता हूँ कि एक चार्ज जब फ्लो करता है तो उससे क्या क्रिएट हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। आ गया समझ में? कोई डाउट? तो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी क्रिएटेड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके अब एक बात बताओ जो ऑलरेडी जो खुद मैग्नेट बन के बैठा है जो हमारे पास नॉर्थ साउथ वाला हम लोगों ने ऑलरेडी ये मैग्नेट है रेगुलर मैग्नेट उसके पास कहाँ से आया? अगर एक रेगुलर बार मैग्नेट है तो उसके पास ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है बट इसके पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया? इसके पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया? वो लोग मैग्नेट बनाने के टाइम उसको हैवी इलेक्ट्रिकल चार्ज में डालते होंगे। ओके और थोड़ा ट्राई करो। लेकिन वो परमानेंटली कैसे रहता है? ये परमानेंट मैग्नेट कहाँ से आया? यस ये परमानेंट पोल्स कैसे क्रिएट हुए वो पूछा है मैंने। ट्राई करो। चलो बता दूं मैं। सर उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है जो एक कांस्टेंट चार्ज। कैन आई से यस बोलो। सर जो मैग्नेट होते हैं ना उनको पहले इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है और उसके बाद वो अर्थ के जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं उसके पर वो परमानेंट हो जाते हैं। सर वो लोडस्टोन करके एक नेचुरल मैग्नेट होता है वो तो नेचुरल मैग्नेट होता है। हाँ उसमें जो मिनरल्स होते हैं उसको वो लोग इसमें डालते हैं। नहीं 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 ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ उसके अंदर चार्ज कैसे आएगा? देखो ध्यान से आंसर दो यहाँ पे ध्यान दो। ये जो नेचुरल मैग्नेट है उसके पास मैग्नेटिज्म कहाँ से आया वो हमें पूछना है। तो भाई नेचुरल जो मैग्नेट है वो एटम से बना होता है हाँ या ना? यस। ओके बढ़िया। एटम के अंदर यस एटम से बना होता है। अब एटम का मैंने स्ट्रक्चर पहले ही दिखाया था क्या हो रहा था एटम के अंदर?
इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन मूव होता है, मूव होता है, ऑर्बिट में फ्लो कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। ओके, सो चार्ज है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ? यस सर। अगर ये चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हमने अभी देखा कि भाई चार्ज के फ्लो से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी क्रिएटेड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो ये जो एक एटम है, उसके अराउंड भी एक खुद का क्या क्रिएट होता है, उसके अराउंड भी एक खुद का क्या क्रिएट होता है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। तो सर वो लोग ऐसे सब्सटेंसेस यूज करते होंगे जिसके अंदर मतलब वैलेंसी उसका काफी ज्यादा, इनर शेल्स में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, मैं बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, इतना समझ में आ गया? ओके, अब एक बात बताओ, ऐसा तो एटम तो हर एक जगह पे है, हर एक ऑब्जेक्ट एटम से ही बना है। ओके, बट क्या करते, ऐसे छोटे छोटे एटम का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, वो नॉर्मल हर एक ऑब्जेक्ट में वो कैंसल आउट हो जाता है। छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। जबकि जबकि नेचुरल मैग्नेट जो होता है, उसके अंदर ये स्मॉल स्मॉल मैग्नेट्स के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन और फिर एक बड़ा पोल मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बड़ा एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आया समझ में? यस सर। ओके, तो इसके अराउंड एक बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो मैग्नेट के पास सिर्फ प्रॉपर्टी ये है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंबाइन होता है, जबकि बाकी सब में ऐसा कंबाइन नहीं होता है, नहीं होता है। आया समझ में? यस। ओके ऋषि, समझ में आ गया? सर मुझे भी एक डाउट है। हाँ बोलो। स्टील क्यों अगर इलेक्ट्रिसिटी देने पर परमानेंटली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, लेकिन आयरन को कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होता है? यस, इसके अंदर बेटा और वो भी है, जैसे अभी सर ये इलेक्ट्रॉन्स में से सारा इलेक्ट्रॉन्स में से सारा चार्ज वो निकल भी जाएगा, तो फिर कांस्टेंटली क्या होता है बेटा, यहाँ पे डाइपोल्स क्रिएट होते हैं। ये जो छोटा छोटा मैंने मैग्नेटिक फील्ड बताया ना, उसको हम डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डाइपोल। डाइपोल्स, तो कोई भी एक मैग्नेट होता है ना, उसके डाइपोल्स ऐसे एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। डाइपोल सारे क्या होते हैं? एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। जबकि जो नॉर्मल मेटल होते हैं, दूसरा कोई स्टील ले लिया या फिर और कोई भी मेटल ले लिया, तो उसके अंदर से डाइपोल डायरेक्शन अलग अलग होती है, रैंडम डायरेक्शन होती है, तो इसलिए वो एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। जब इसके ऊपर हम लोग वायर से ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, तो ये सारे डायपोल अपने आप क्या हो जाते हैं, ये मैग्नेट यहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। हाँ सर, वो कंबाइन होकर एक ही डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यस, और जैसे ही करंट चला जाएगा, तो कुछ कुछ मटेरियल में ऐसा होता है कि ये डायपोल वापस रैंडम हो जाते हैं, और कुछ मटेरियल में ऐसा होता है कि ये डायपोल वैसे के वैसे रहते हैं। अगर वो एनर्जी को ऑब्टेन करके रिटेन करेगा तो फिर वो सेम पोल में, तो फिर वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। तो जो स्टील है वो उसी चीज को रिटेन करता है, जिसकी वजह से वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। आयरन जो है वो उसको रिटेन नहीं करता, इसलिए वो वापिस इलेक्ट्रिसिटी जाने से वो नॉर्मल मेटल बन जाएगा। इसीलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट में आयरन को ही यूज करते हैं। यस यस यस। ओके, तो आज यहाँ तक वो बहुत ही पावरफुल होता है, क्लास में आगे करेंगे। हाँ यस पावरफुल होता है। ओके बाय 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 सर। डिवाइन नहीं समझ में आ रहा है, पूरा डिवाइन नहीं समझ में आया। हाँ सर समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके, चलो बाय 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 सर। बाय सर, गुड डे गुड डे।